सब दर्शक को प्रणाम। हमार नाम उर्मिला देवी सबरी स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ग्राम संघ उजाला जीविका के सदस्य घर हमारी थाना धमदाहा जिला पूर्णिया के वासी हम छी। आइ तोरा सबके बताबै छियो मदर इंड में सूजा के रख रखाव 28 रोज में केना करै छी, केना दाना दै छियै, केना पानी दै छियै, केना टीका दवाई दै छियै, ई सब बारे में बताबै छी। मदर यूनिट में सूजा आबै से पहले की सब हम तैयारी करै छियै चलो बताबै छी। मदर यूनिट में सबसे पहले गोबर चिकनी मट्टी से निपाई करै छी। गोबर से निपाई हल करै छियै कि एंटीसेप्टिक के काम गोबर करै छै, इस जमीन में जे जीवाणु विषाणु रहै छै ओ नहि फैलतै, एहि से हम गोबर मिट्टी से निपाई करै छियै। गोबर चिकनी माटी से निपै के बाद 4-5 रोज के बाद सूखे छै जमीन, ओकर बाद देखै छियै कि जमीन सूखलै कि गीलापन छै, दरार नहि फटना चाही, ओकर बाद पतला लेयर में चूना के छिड़काव करै छी। चूना एंटीसेप्टिक के काम करै छै और जमीन में जे जीवाणु विषाणु रहै छै ओकर रोकथाम करै छै। 10 किलो कुन्नी में 1 किलो चूना डालै छै। जकरा पास की नहि छै कुन्नी अगर तऽ ओहिमे धान के भी भूसा दिए सकै छै। 10 किलो कुन्नी में 1 किलो चूना डालै छै। अच्छा तरह से एकरा मिला दै छी। जमीन में 1.5 से 2 इंची मोटा कुन्नी बिछावै छी। कुन्नी बिछावे से कुशन के काम करे छै। सूजा के गर्मी में रहे छै कुन्नी बिछावे से। मदर यूनिट में एक तिहाई भाग में हम कुन्नी बिछावे छी, ओकर बाद 3-4 ट्रक में पेपर बिछावे छी। एक हजार चूजा पर 20 गो डब्बा पानी वाला 20 गो दाना वाला लगावे छी। 1000 चूजा पर 15 लीटर पानी में 1 किलो शक्कर दे के घोल बना के 24 घंटा के दे दै छी।
शक्कर पानी के घोल से सुझा कर पिए के लिए, पानी और शक्कर के घोल बनाकर 24 घंटा तक के लिए दे। गिनती हुए समय में अस्वस्थ बीमार थे, एक छटैया क्या कर तकर बाद गिनती करना, नंगरा है एक गिनती छटैया करिए कर गिनती होना चाहिए। मरल है, मरल है एक छटैया करिए ना देते, जब भी लेना है स्वस्थ सुजा के लेना है और फुर्तीला सुजा के लेना है। सुजा के आँखसे पानी नहीं जाना चाहिए, चिपचिपाहट नहीं रहना चाहिए, सुजा में शुक्लाहट नहीं होना चाहिए, सुजा में रिसाव नहीं होना चाहिए, आँखसे पानी नहीं जाना चाहिए, सुजा देख कर लेना चाहिए हर हमेशा, सुजा स्वस्थ रहे, सुजा फुर्ती बाजे। चौबीस घंटा के लिए सूजी चूजा कर दी, सूजी खाए में आसानी है और पचे भी है जल्दी। सुजा के बर्तन दाना पानी वाला एंटीसेप्टिक से दवाई से साफ करबे, साफ करे छी। एकरा से साफ करला से कीटाणु नहीं फैले छै। एंटीसेप्टिक डिश के बारे में तोरा सबके दीदी बताबै छियै, एंटीसेप्टिक के घोल बनबै छियै, दोनों पैर घोल में धोए कर तब मदर इंट में घुसना। अगर घोल नहीं रहते प्रयोग कर तब दूसरा चप्पल के प्रयोग करके मदर इंट घुसना चाहिए। सुजा का पानी केना हम दे छे ओकर बारे में बताबे छे। 1000 सुजा पर 25 लीटर पानी दे छे। सुजा के पानी 3 बार दिए दे छे दिन में, गर्मी के टाइम में पानी बढ़ावा सके छे। हर हमेशा 1 इंची पानी खाली रहना छे, यह बर्बादी पानी नहीं हेतै, बच्चा ऐसे बीमारी नहीं फैलते, मुर्गी स्वस्थ रहते। हर हमेशा चपा करके पानी में दे छे मैं, इसमें अगर आयरन रहते तो इसमें क्लोरीन के टेबलेट मिलाकर पानी दे छे सुजा के। अब सुजा का जाचे पानी दे ले,
गायके दाना हम केना दै छियै ओकर बारेमे तोरा आरके बतबै छी। पहला सप्ताहमे प्रीज स्टेटर दए चुक दियै, एकरासँ सूजाके शक्ति मिलै छै। 7 से 21 दिनके सूजाके स्टार्टर फूट दै छियै। एकरामे प्रोटीनके मात्रा अधिक रहै छै, सूजाके अथी वजन बढ़ै छै। सुबह 6 बजे सुबहमे सूजाके पानि पहिने दै छियै, ओकर बाद दाना दै छियै। 12 बजे दिनमे फेर पानि आ पहिने तकर बाद दाना दै छियै। 6 बजे शाममे फेर पानि आ दाना दै छियै। 22 से 28 दिनके सूजाके प्रेशर फूट दै छियै। सूजाके बीमारीसँ बचाबैके लिए कोन कोन दवाइके प्रयोग करै छियै से तोरा आरके बतबै छी। एंटीबायोटिक दवाइके प्रयोग रातिमे सूजाके दाना पानीके साथ करै छी। एकरासँ सूजाके तनाव दूर होइ छै। एकर बाद एम्बीप्लेक्स विटामिन दै छियै। एम्बीप्लेक्स पहला सप्ताह आओर दूसरा सप्ताहमे दै छियै, एहिसँ सूजाके वजन बढ़ै छै। एकर प्रयोग सुबह आओर दुपहरमे करै छी। सूजाके पतला पैखाना होइ छै तबे दवाइके प्रयोग करै छी। जब सूजाके लाल पैखाना होइ छै तबे दवाइके प्रयोग करै छी। जब सूजाके सर्दी होइ छै तबे दवाइके प्रयोग करै छी। जब सूजा आबै छै तब ई दवाइ दै छियै, प्रयोग करै छियै थकावट दूर करै लए। एहि सब दवाइके जब दै छियै सूजाके पानिमे घोल बना कऽ दै छियै। समय समय पर सूजाके बचाबै खातिर बीमारीसँ दूर रहै टीका भी लगबै छियै। सूजाके बीमारीसँ बचाबैके लिए जे सब टीका लगाबै छियै ओ सबके बारेमे तोरा आरके बताबै छियै। टीका को हमेशा बर्फ वाले बक्से में ही रखना चाहिए। दवाइ तैयारी भए गेलै, जाइ छियै सूजाके टीका दै लए। मदरमे 3 बार सूजाके टीका होइ छै। पहला टीका 7वां दिनमे रानी खेतके करै छी। दूसरा टीका 14वां रोजमे आबीके करै छी। तीसरा टीका 21वां रोजमे न्यू कैस्टर बूस्टरके करै छी। ई तीनों टीका नाक और आँखिमे करै छी। ई तीनों टीकाके प्रयोग
रात और ठंडा समय में करे टीका के पाउडर वाला दूध में घोल बना के पानी में मिला के तब सुजा के दे टीका के दूसरा सप्ताह में दे गर्मी के समय में जूट के बोरा का काट का जाली पर दे का ऊपर एक आध घंटा पर एक दू घंटा पर पानी के छिड़को कर एक सूजा के ठंडक मिले ठंडी टाइम में मदर इंड के प्लास्टिक या तिरपाल से चारों भर से घेर दे ताकि हवा अंदर नहीं आवे 25-30 डिग्री तापमान बनल रहे सर्दी समय में 25-30 डिग्री तापमान रहना चाहिए अगर तापमान कम रहते तो गैस ब्लोडर और बॉल जला दिए ठंडी के टाइम में 25-30 डिग्री तापमान बरकरार रहना चाहिए नहीं तो सूजा के संभावना मरे के अधिक रहे मदर इंट में बॉल का कवर के साथ लगे ताकि सूजा बॉल के नीचा एक समान रहे अगर सूजा एक समान नहीं रहते सूजा पर चूचा चढ़ते तो बॉल के नीचा ऊपर करे बर्फ के जमीन से 1.5 फुट ऊपर रखे सूजा पाले में की सावधानी रखे पड़े ओकर बारे में बताबे मगर इनमें कम लोग के परिवेश होना चाहिए सूजा के साथ कम छेड़छाड़ करना चाहिए एक डंडा ला कर सूजा के 7 रोज तक आधा घंटा 1 घंटा पर हकते रहना चाहिए मदर इंड में 25-30 डिग्री तापमान रहना चाहिए हम सब दर्शक के निवेदन करे छे कि मदर इंड में सूजा के रख रखाव अच्छा से 28 रोज करी ताकि जे 300 परिवार सूजा का ले जाए कम से कम ओकरा परेशानी हुए सूजा स्वस्थ रहे दीदी का लाभ हुए।